आज के इस वीडियो में आपको फुल ट्रीटमेंट देने वाला हूँ मुंह के छालों के बारे में, क्योंकि अभी जस्ट मैंने कुछ टाइम पहले आपको मुंह के लिए तीन सबसे बेस्ट जेल बताए थे जो काफी अच्छे से काम करते हैं। मुंह के छालों के लिए काफी ज्यादा उपयोग होने वाले जेल होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, लोग जेल का यूज करते हैं लेकिन उनके छाले जो होते हैं फिर भी ठीक नहीं होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम फुल ऑन ट्रीटमेंट समझते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, बार बार छाले होने के क्या कारण होते हैं, और कौन सी आपने इसमें दवाइयाँ लेनी चाहिए जिससे आपका मुंह का छाला जो होता है परफेक्टली ठीक हो जाए। सो हे गाइस, मेरा नाम है अंकुश, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मुंह के छाले होने के कई सारे रीजन इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपकी बॉडी में कई बार घाव हो गया है एंड जलन हो गया है, किसी चीज से जल गया है, आपके मुंह या गाल कट जाने की वजह से वाकई में छाले हो सकते हैं। एंड ज्यादा से ज्यादा आप खट्टे पदार्थ का यूज करते हो, गर्म मसालों का यूज करते हो, गर्म चीजें बहुत ज्यादा खाते हो, स्पाइसी फूड का सेवन आप ज्यादा से ज्यादा करते हो एंड मेडिसिन का यूज ज्यादा करते हो। कई बार लोग एंटीबायोटिक्स, पेन किलर दवाइयों का यूज करते हो जिससे उनके पेट में गर्मी होनी शुरू हो जाती है और मुंह के छाले जो होते हैं अधिकतर देखने शुरू हो जाते हैं। अब आयुर्वेदिक मत के अनुसार जाने तो 99% जो होते हैं, जो बीमारी आपकी बॉडी में पनप रही है वो आपकी पेट की वजह से होता है। पेट में अगर माने तो इनडाइजेशन की वजह से, जैसे किसी का कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ सही से नहीं होता है, 4-5 दिन हो गए अच्छे से पेट की प्रॉब्लम रहती है, तो उनको भी अधिकतर मुंह के छालों की समस्या जो होती है वो देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसमें भूख की कमी भी देखने को मिल सकती है एंड इनडाइजेशन जैसे मैंने बताया है। तो पेट का जो होता है इसमें बहुत ज्यादा मेन कारण है पेट। अगर आपका पेट का इंडाइजेशन बिगड़ गया तो आपके मुंह के छाले होना एक कॉमन सी बात हो सकती है। सिम्टम्स तो आपको यही देखने को मिलेंगे कि मुंह में कई बार छाले हो जाते हैं, जहाँ दाग से पड़ने लग रहे हैं, जीभ पूरी लाल हो जाती है, कुछ भी खाते हैं तो जलन महसूस होती है एंड दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। अब ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट को करने से पहले सबसे पहले आपको कारण को समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आपका मुंह जल गया है तो ये कॉमन चीजें हैं कि कुछ खाने की वजह से आपके मुंह में छाले हो गए हैं। दूसरी चीज कि आप स्पाइसी फूड ज्यादा खाते हो, उसकी वजह से भी छाले हो सकते हैं। तीसरा, अगर आपका पेट खराब है तो पेट खराब होने की वजह से भी आपको ये चीजें हो सकती है। अब पेट खराब है का मतलब ये है कि जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट साफ सही से नहीं हो रहा है, इंडाइजेशन बिगड़ गया है। अगर आपको पेट साफ नहीं हो रखा है, कॉन्स्टिपेशन हो रखे, तो सबसे पहले तो आपने पेट को क्लियर करना है। पेट साफ करने वाली दवाइयाँ खा सकते हो जिसकी वजह से आपके मुंह के छाले जो होंगे जल्दी ही ठीक होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हो या बहुत ज़्यादा दवाइयों का यूज़ करते हो तो वो एक पर्सनल चीज़ें हैं कि दवाई थोड़ा कम करनी पड़ेगी, इसके साथ और दवाइयाँ भी आपने यूज़ करनी पड़ेगी। तो देखिए, ट्रीटमेंट के बारे में हम समझते हैं। पहली चीज़ आपने इसमें यूज़ करनी है, ओरस वाला जेल काफ़ी बेस्ट है, बहुत अच्छे से काम करता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या करना है आपने, बिकासूल। बिकासूल एक बी कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें B12 B6 होता है, जो पेट की गर्मी को या पेट को सही रखने में मदद करता है, बेसिकली इंडाइजेशन में भी काम करता है, विटामिन B12 होता है जो, और ये रिपेयर करता है आपके सेल्स को, तो अच्छा काम करता है। तीसरी चीज़ क्या करना है, इसमें एंटीबायोटिक आती है एजिथ्रोमाइसिन 500, जो कि मुंह के छालों के लिए एंड गले में इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, दिन में एक बार आपने यूज़ करना है। चौथी चीज़ इसमें बिकासूल या बेडनिसोल आती है, एस्टेरॉइड मेडिसिन होता है जो छालों को, सूजन को, दर्द को रोकने में मददगार साबित होते हैं। तो चार मेडिसिन आपने यूज़ करनी है, जेल का यूज़ करना है, बी कॉम्प्लेक्स लेना है, एजिथ्रोमाइसिन लेना है एंड बिकासूल लेना है। तो ये एक बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेडिसिन है जो आपके मुंह के छालों को सही कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि यार डायरिया की शिकायत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है तो आप प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें रेनिफोल आ गया एंड स्पोरलैक DS मेडिसिन आ गया, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर मुंह में छालों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है तो डिक्लो का यूज़ किया जा सकता है, जो दर्द के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड साथ ही साथ आपको क्या करना है, परहेज जरूर रखना चाहिए। अगर आप खट्टे पदार्थों का ज़्यादा यूज़ करते हो तो कम करें, गर्म मसाले खाना कम कर दीजिएगा, जिससे आपको लग रहा है कि यार इस चीज़ से हो सकता है तो उसको कम करें। पेट साफ नहीं होता है तो पेट को पहले क्लियर करें, फिर जाके आपके छाले जो होंगे परमानेंटली ठीक हो जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए। अगर गर्मी में ज़्यादा ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो बेल का जूस हो गया, गन्ने का जूस हो गया, तो इनका आप सेवन कर सकते हैं एंड गर्म चीज़ें कम ही खाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, ये था कुछ मुंह के छालों के लिए पूरा ट्रीटमेंट एंड बेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।